जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत यादव दृष्टि एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम MPPSC के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में आपको MPPSC का एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम कैसे स्टार्ट से कहां से लेकर कहां तक चलता है, क्या मार्क्स रहते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, किस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। यानी MPPSC के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर शुरू से लेकर लास्ट तक यानी A से लेकर Z तक की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन को पढ़ना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। MPPSC का एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, MPPSC का जो पैटर्न है वो आपको तीन लेवल पर रहेगा। कितने लेवल पर रहेगा? तीन लेवल पर रहेगा आपका। तो सबसे पहले ये प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। MPPSC में तीन लेवल होते हैं या थ्री स्टेप्स होते हैं। देखिए, ये आपको पता है MPPSC से MPPSC से अधिकारी लेवल की भर्ती होती है, ऑफिसर्स लेवल की भर्ती होती है। तो ऑफिसर्स लेवल की भर्ती होगी तो किसी भी व्यक्ति को ऑफिसर बनाएंगे या अधिकारी बनाएंगे या जिला सौंपेंगे या तहसील या कोई ब्लॉक सौंपेंगे तो ऐसे थोड़ी सौंप देंगे। उसमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए ताकि वो उसको हैंडल कर सके, मैनेज कर सकते। तो इसी कैपेबिलिटी का टेस्ट या परीक्षण करने के लिए जो कह सकते हैं उस आयोग ने तीन स्टेप बनाए, अलग अलग स्टेप पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके अंतर्गत वो एग्जाम परीक्षा लेता है। और एग्जाम दो है, एक सिविल सर्विस का भी लेता है, एक फॉरेस्ट सर्विस का भी लेता है, ऐसे और भी अदर एग्जाम लेता है, लेकिन अपन को यहां जो सिविल सर्विस है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन स्टेप रहेंगे, एक आपका प्रीलिम्स और एक आपका मेंस और एक आपका इंटरव्यू रहेगा। अब यहां जो प्रीलिम्स रहता है वो MCQ बेस पर रहता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस पर आते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चार में से कोई एक सही है वो आपको चुनना है। ठीक है, इसके बाद जो कह सकते हैं इसमें दो पेपर रहेंगे, इस पर आगे अपन डिस्कस करेंगे। मेंस रहेगा वो रिटर्न पर बेस पर होता है, लिखित परीक्षा के बेस में रहेगा आपको। और इसमें जैसे आपने कॉलेज के एग्जाम दिए होंगे, 10th 12th के एग्जाम देते हैं ना, उसी प्रकार का इसका पैटर्न रहेगा। और इंटरव्यू तो आप समझते हैं ओरली रहेगा। देन अब सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में समझते हैं। तीन लेवल हैं, उन तीन लेवल में आपको पहला लेवल मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा या मेंस, सॉरी प्रीलिम्स रहेगा जिसे बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर फर्स्ट GS का होता है और पेपर नंबर सेकंड एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट किसका रहेगा? GS का, और सेकंड एप्टीट्यूड का। अब इस GS के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहता है, तो 200 का ये पेपर हो जाता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है MPPSC में, इसमें कोई व्यक्ति कितने भी अटेम्प्ट कर सकता है अपनी मन मर्जी पर। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि अगर गलत जवाब देने पर कोई माइनस क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पेपर में भी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, और यहाँ भी 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सेकेंड पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहले फर्स्ट पेपर पर डिस्कस करते हैं अपन। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज, प्रश्न पत्र प्रथम और जो के सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन का है तो इसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट है सिलेबस में। इतनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया, प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस डिसाइड किया गया वो 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी MPPSC के प्रीलिम्स का GS के पेपर में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, इनमें से सारी यूनिट्स को एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है तो इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास कैसा है, उसमें डायनेस्टी वगैरह सब सब आ जाती हैं, लिटरेचर वाला पोर्शन रहेगा और साहित्य वाला पोर्शन रहेगा। दूसरा भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा। यूनिट नंबर थर्ड में MP का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश डाला गया है। यूनिट नंबर फोर में आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड और इंडिया की इसमें डाली गई है। यूनिट नंबर फाइव के 2 पार्ट्स हैं, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। जैसे कि यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1 है या का है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो वाला हिस्सा इसके अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है,
देन पार्ट बी में है आपका राज्य की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, यानी यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 6 आएगी। तो यूनिट नंबर 6 में आपका एक मध्य प्रदेश का भारत का संवैधानिक शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था है। तो यूनिट नंबर 6 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी दोनों को डाला गया है। यूनिट नंबर 7 में आपका विज्ञान एवं पर्यावरण, साइंस एंड एनवायरमेंट दिया गया है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटना, यानी करंट अफेयर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 9 में करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों साथ साथ के अंतर्गत एमपी का करंट अफेयर भी इसी का हिस्सा है, तो एमपी का करंट अफेयर भी यहां आपको पढ़ना पड़ता है। यूनिट नंबर 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूनिट नंबर 9 में क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें टोटल 8-9 यूनिट हैं, इसके सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट नंबर 9 हो जाएगी और लास्ट आपकी यूनिट नंबर 10 हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, संवैधानिक और सांवैधानिक निकाय इसमें दी गई हैं, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड स्टेचरी बॉडी इसके अंतर्गत दी गई हैं। ठीक है, तो ये जीएस में प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम पेपर है जीएस, उसमें आपको 10 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर में, वो 10 यूनिट का सिलेबस आपको मिल गया होगा या समझ में आ गया होगा। देन आपका सेकंड पेपर रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र है, और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सेकंड है जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये सिविल सर्विस का जो एग्जाम रहता है उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसमें पासिंग परसेंटेज लेना पड़ता है। इसमें कैटेगराइज अगर देखा जाए तो जनरल वालों को आपको 40% मार्क्स लाना पड़ते हैं। इसके बाद जो कह सकते हैं ओबीसी, एसटी, एससी, इन सबको 30% मार्क्स लाना पड़ते हैं। ठीक है, यानी 100 में से इतना परसेंटेज लाने, तो ये आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब कोई फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम भरता है तो उसके लिए ये मार्क्स इस पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज वगैरह रहते हैं, हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपको पता ही, प्रारंभिक परीक्षा क्या हो जाएगी आपकी, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बेस पर होती है। दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीएस का जिसमें 10 यूनिट हैं, और सेकंड पेपर रहेगा वो एप्टीट्यूड का जिसमें यूनिट नहीं है लेकिन कॉमन सिलेबस जैसे मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और कुछ लैंग्वेज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम। ये आपका नया सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, परीक्षा योजना और एग्जाम स्कीम। देखिए ये पूरे के पूरे वर्ड जो आयोग का सिलेबस है उसकी साइट पर जो सिलेबस में दिया है सेम टू सेम वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो उन्होंने भी एग्जाम स्कीम और परीक्षा योजना कैसे पैटर्न रहेगा, वो क्या क्या पूछा जाएगा वो रहेगा। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे, और ये सारे पेपर क्या होंगे, अनिवार्य यानी कंपलसरी है, यानी मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम यानी एमपीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये अब 6 पेपर हैं, कौन कौन से हैं, एक एक पेपर को लेकर अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं अपन कि ये जो 6 पेपर रहेंगे वो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे या क्या क्या इसके अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे आपका फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट रहेगा जिसमें इतिहास और भूगोल पूछा जाता है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, लिखने के लिए 3 घंटे मिलेंगे और आपका जो कह सकते हैं 300 नंबर 300 का रहेगा, और ये हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो कह सकते हैं ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र दिया रहेगा, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशियोलॉजी वाला पोर्शन। इसके लिए भी 3 घंटे लिखने के लिए मिलेंगे। 300 नंबर का पेपर रहेगा, इसमें भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको देना है। देन आपका थर्ड पेपर रहेगा, थर्ड पेपर में आपका
ये आपका विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा पूरा पेपर, साइंस टेक्नोलॉजी 300 मिलेंगे, 300 का पेपर रहेगा, इसमें भी आप लेंगे चूज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद जो कह सकते हैं फोर्थ पेपर रहेगा, फोर्थ पेपर आपका रहेगा ये भी GS4 पेपर है, जिसे इथिक्स के नाम से भी जाना जाता है, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा 3 आवर, इसके लिए भी मिलेंगे 200 का रहेगा। यहाँ भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी में देना चाहे ले सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। देन आपका पांचवा पेपर रहेगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, ये भी इसमें आपको 3 घंटे लिखने के लिए मिलेंगे, 200 का ये पेपर रहेगा, ये केवल और केवल हिंदी में है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, और चूंकि हिंदी का है तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक या व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों के नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ बड़ा जो कह सकते हैं जो लोग इस तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से थोड़ी बहुत हिंदी की प्रैक्टिस करना पड़ जाती है। और लास्ट पेपर जो रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा, ये 6th पेपर रहेगा आपका, और ये 6th पेपर निबंध, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का रहेगा, 2 आवर इसको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का रहता है, और ये भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो लास्ट के 2 पेपर हैं हिंदी और ऐसे यानी निबंध का, इसमें आपको केवल सभी स्टूडेंट्स को ले चाहे किसी भी मीडियम से हो हिंदी में लिखना कंपलसरी है, और शुरू के 4 पेपर रहते हैं वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा रहेगा या जो कह सकते हैं मेंस एग्जाम रहेगा। तो मेंस एग्जाम में आपको देख ही लिया अपने को टोटल पे कितने पाए रहेंगे, 6 पेपर रहेंगे और 6 पेपर कंपलसरी रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं रहेगा। और इसके बाद फर्स्ट पेपर रहेगा जो कह सकते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट रहेगा, और फर्स्ट पेपर में आपका पार्ट ए और बी 2 पार्टों में बटा रहेगा। तो सबसे पहले पार्ट ए के बारे में समझते हैं। पार्ट ए में टोटल 5 यूनिट में डिसाइड किया गया है या डिवाइड किया गया है, और 5 यूनिट फर्स्ट यूनिट में इंडियन की एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत रहेगा, और पार्ट यूनिट नंबर 2 रहेगा इसमें मिडाइवल हिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 में मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, और जो कह सकते हैं यूनिट नंबर 4 में एमपी की हिस्ट्री रहेगी, यूनिट नंबर 5 में आपका डायनेस्टी ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश की रियासतें वाला टॉपिक रहेगा वो इसमें ही रहेगा, ठीक है। और इसमें भी जो कह सकते हैं अब जो पार्ट वन है, पार्ट वन 150 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपका पार्ट वन है वो 3 पार्ट्स में बटा रहेगा, इसमें कुछ 15 क्वेश्चंस रहेंगे वो 3-3 नंबर के आएंगे, तो ये आपका 45 का हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका 5 मार्क्स का आएगा, तो 50 का हो जाएगा, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 11 मार्क्स के होंगे तो ये आपका 55 का हो जाएगा। तो इस प्रकार 150 का पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 3 नंबर्स का रहेगा उसमें 10 वर्ड्स लिखना पड़ेंगे आपको, या 1 या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, इसमें आपको 50 वर्ड लिखना पड़ेंगे 5 नंबर वाले में, और जो 11 नंबर का रहेगा उसमें आपको 200 शब्द लिखना पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो कह सकते हैं पार्ट बी रहेगा पेपर नंबर फर्स्ट का, और पार्ट बी में भी टोटल 5 यूनिट हैं या 5 इकाइयां हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, 2nd में इंडियन ज्योग्राफी है, 3rd में मध्य प्रदेश का भूगोल है, 4th में जल एवं आपदा प्रबंधन रहेगा, वाटर एवं डिजास्टर या एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। यूनिट नंबर 5 में भूगोल की आधुनिक तकनीकी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी रहेगी, और सेम पैटर्न इसका भी रहेगा कि आपका ये भी 150 का रहेगा पार्ट बी भी, और फिर इसमें भी 15 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के रहेंगे तो 45 मार्क्स का हो जाएगा, और फिर 10 क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स का रहेगा तो 50 का हो जाएगा, और फिर आपका 5 क्वेश्चंस 11 मार्क्स के रहेंगे तो ये 50 का हो जाएगा। तो ये आपका 150 यानी हर यूनिट का में 30 नंबर का पूछा जाएगा, हर यूनिट में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो 150 का ये भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 150 और 150 यानी 300 मार्क्स का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो सेकंड पेपर में भी पार्ट ए और पार्ट बी हैं, तो सेकंड पेपर का नाम ही क्या है आपका, संविधान शासन व्यवस्था राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर रहेगा। और पार्ट पेपर नंबर 2 है वो भी पार्ट ए और बी में डिवाइडेड है, तो पार्ट ए की बात करते हैं, तो पार्ट ए में आपका 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल
सेकेंड यूनिट में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा। यूनिट नंबर थ्री में अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स जवाबदेही एवं अधिकार रहेगा। उसके साथ साथ लोकतंत्र की विशेषताएं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कृषि भी रहेगा। और उसके बाद यूनिट नंबर फोर आएगी, तो फोर में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भारतीय राजनीतिक विचारक रहेंगे। यूनिट नंबर फाइव में प्रशासन एवं प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रहेगा। और फिर सिस्टम वही हो जाएगा, पार्ट ए कितने मार्क्स का होगा, 150 का डिवाइडेड सेम होगा कि इसमें 15 क्वेश्चंस 3 नंबर के आएंगे और 145 का हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आ जाएंगे, 50 का हो जाएगा, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो 11 मार्क्स के होंगे, तो ये आपका 55 का हो जाएगा और टोटल 150 के हो जाएंगे। और ये हर यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 नंबर का यानी 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। पार्ट बी की बात करते हैं, यानी पेपर नंबर सेकेंड के पार्ट बी रहेगी, तो पार्ट बी या खंड बी रहेगा, उसमें भी 5 यूनिट हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था, यूनिट नंबर टू में मध्य प्रदेश के संबंध में यानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिसमें मेजर क्रॉप्स यानी फसलें, होल्डिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल चक्र व्यवस्था रहेगी, सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट यानी फसलों का सामाजिक एवं जो कह सकते हैं भौतिक एनवायरमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, डेयरी हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेंगी। यूनिट नंबर थ्री में मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाला टॉपिक रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर फोर में इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर यानी भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। यूनिट नंबर फाइव में पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम यानी जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं, एजुकेशन रिलेटेड हो सकती हैं, सोशल वेलफेयर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब चीज़ें यानी इसमें भी 5 यूनिट हैं। हर यूनिट से 330 नंबर का आएगा, तो टोटल पेपर कितना रहेगा, 150 का। पार्ट बी भी हो जाएगा, पैटर्न वही रहेगा कि क्वेश्चन नंबर ए एक रहेगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो रहेगा, क्वेश्चन नंबर टू में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे और एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो ये कितने के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे। लास्ट का पेपर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, एवरी क्वेश्चन 11 मार्क्स का रहेगा, तो ये 55 का हो जाएगा, तो टोटल आपके इसमें भी 150 हो जाएगा। ठीक है, पेपर नंबर थर्ड की बात करें तो पेपर नंबर थर्ड में पार्ट ए बी सी नहीं बटे हैं, जैसे पार्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड में पार्ट ए और बी था, इसमें टोटल 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में जो कह सकते हैं हर यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का, तो 300 का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं कौन सी यूनिट में क्या रहेगा आपका। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स है, सेकंड यूनिट में केमिस्ट्री है, थर्ड यूनिट में बायोलॉजी है, फोर्थ में कंप्यूटर है, फिफ्थ में आपका मैथमेटिक्स है, छठवीं यूनिट में हेल्थ है, सेवंथ में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, एट्थ में एनर्जी यानी ऊर्जा है, और नाइन्थ यूनिट में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, और 9 यूनिट में इन्वायरमेंट के बाद जो कह सकते हैं 10 यूनिट रहेगा जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ रॉक्स यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस टॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एवं उत्पत्ति और चट्टाने किस प्रकार की हैं वो रहेगा, और इसमें भी पूरा का पूरा यानी कि 300 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको पार्ट ए बी सी के यानी हर पेपर में आपको जो कह सकते हैं पार्ट ए बी सी के रहेंगे, यानी इसमें बढ़ जाएगा कि आपका 30 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, तो 90 क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद जो कह सकते हैं 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 5-5 नंबर के हो जाएंगे, तो 100 नंबर ये हो जाएगा, और उसके बाद 12 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 11-11 नंबर के रहेंगे, तो इस प्रकार ये भी आपका 300 मार्क्स का ये पेपर भी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पेपर आएगा आपका, और फोर्थ पेपर इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा, इथिक्स का रहेगा, चतुर्थ पेपर रहेगा। अब इथिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया है, दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन यानी फिलोसफी, फिजियोलॉजी और पब्लिक जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें भी यूनिट्स 5 डिवाइड की गई हैं, 5 यूनिट में हैं, और इसमें फर्स्ट यूनिट है इसमें फिलोसोफर या थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर यानी दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक फर्स्ट वाली यूनिट में है। इकाई नंबर टू यानी यूनिट नंबर टू है जिसमें एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और एंड इमोशनल इंटेलिजेंट
मनोवृत्ति अभी क्षमता और सांवेगिक बुद्धि वाला टॉपिक इसमें है। यूनिट नंबर 3 में ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, यानी मानवीय अभी आवश्यकताएं, मानवीय क्या है आवश्यकताएं हो जाएंगी एवं अभी प्रेरणा इसमें रहेगा। और यूनिट नंबर 4 रहेगी जिसमें एथिक्स एंड वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य रहेगा। और लास्ट जो 5 यूनिट रहेगी आपकी, और 5वीं यूनिट में रहेगी केस स्टडी, क्या रहेगा आपका केस स्टडी रहेगी। इसमें आपको 2 केस स्टडी रहेंगी, एक आपका 35 नंबर की रहेगी और एक आपका जो कह सकते हैं 30 नंबर की रहेगी, अलग अलग करके। तो इस प्रकार से आपका इसका पैटर्न भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो सेकंड फोर्थ पेपर रहेगा ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। फर्स्ट पेपर आपका कितने नंबर का था, फर्स्ट पेपर आपका 300 नंबर का, सेकंड पेपर 300 नंबर का, थर्ड पेपर 300 नंबर का और फोर्थ पेपर 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं पांचवें पेपर की है, और पांचवें पेपर का नाम आपका है हिंदी एवं व्याकरण। ये हिंदी हमें देना सबके लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी पेपर हिंदी में, इसमें आप लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें टोटल 200 नंबर का ये भी रहेगा पेपर। अब इसमें आएगा मुख्य रूप से व्याकरण, आते व्याकरण में कुछ भी आ सकते हैं, जैसे तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इस प्रकार के पैटर्न इसमें रहते हैं। कुछ मेथड्स जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल वर्ड आते हैं, टर्मोलॉजिकल या प्रशासनिक शब्दावली जिसे अपन कहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया जाते हैं। और उसके बाद जो कह सकते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पेपर रहेगा और सिक्स पेपर रहेगा निबंध का रहेगा। इसमें भी आप भाषा नहीं चुन सकते हैं, इसमें भी ये भी आपका हिंदी में कंपलसरी है, यानी लास्ट के 2 पेपर आपका हिंदी में रहेगा। इसमें ये 100 मार्क्स का रहेगा, कितने मार्क्स रहता है 100 मार्क्स का रहता है। और फर्स्ट पहला निबंध लिखना पड़ेगा जो 50 शब्दों का है, 50 अंकों का रहता है या 50 मार्क्स का रहता है, और ये आपको 1000 वर्ड में लिखना पड़ेगा, कितने 1000 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है, और इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे या रहेगा उसमें। सेकंड निबंध रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का रहता है, और ये आपको 250 का लिखना पड़ता है। इसके बाद जो कह सकते हैं एक प्रारूप लेखन भी आएगा, प्रारूप लेखन आएगा, और इसके बाद ये प्रारूप लेखन आपका 25 नंबर का आएगा, और इसकी वर्ड लिमिट भी नहीं है, एवरेज मानो तो वही 250 के आसपास, इसमें भी वर्ड लिमिट लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आपका जो छठवां पेपर है वो भी आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका MPPSC का पूरा क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। अब इसमें पैटर्न में आप एक बार शॉर्ट में लास्ट में रिवाइज करवा देते हैं, जैसे कि आपका MPPSC के प्रीलिम्स है या MPPSC की बात करें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक आपका प्रीलिम्स या प्री, दूसरा मेंस या मुख्य परीक्षा, और तीसरा आपका कौन सा रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर आपका GS का होता है, सेकंड पेपर आपका किसका होता है, एप्टीट्यूड का होता है। और GS के पेपर की 10 यूनिट हैं जो अपने डिस्कस कर ली ऊपर, सेकंड पेपर में भी इसमें पूछ जाते हैं। मेंस रहेगा ये रिटर्न रहता है, इसमें 6 पेपर हैं और 6 पेपर आपके क्या रहेंगे, लिखित रहेंगे, जिसमें से शुरू के 4 पेपर में आप मीडियम या हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, और लास्ट के 2 पेपर रहेंगे 5वां और 6वां वो हिंदी में कंपलसरी है सभी के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो जो पूरा, क्योंकि प्रीलिम्स के फाइनल में मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, केवल प्रीलिम्स क्या रहता है, क्वालिफायर रहता है, केवल मेरिट बनाने के लिए रहेगा। और मेंस जो रहेगा वो पूरा मेंस आपको मिल जाता है 1400 नंबर का, 1400 मार्क्स का रहता है। उसके बाद फिर क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू और इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ये आपका 175 का रहता है। तो टोटल 1575 यानी 1575 मार्क्स हो जाते हैं, और इसमें से जो कह सकते हैं मार्किंग होती है, फिर मेरिट बनती है, और मेरिट में जितने अच्छे मार्क्स आते हैं पोस्ट भी उतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, सबसे अच्छे नंबर लाते हैं उनको DC डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलती है, उससे कम वालों को DSP डिप्टी SP की पोस्ट मिलती है, उससे कम वालों को जो कह सकते हैं TO वाला पोस्ट मिल जाएगा, फिर CEO वाले पोस्ट होती हैं, फिर CMO वाली पोस्ट होती हैं, ऐसी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टेज होती हैं, वो डिपेंड करता है कितने डिपार्टमेंट में या पोस्ट में निकली है। कभी
36 डिपार्टमेंट में निकलती हैं, कभी 48 डिपार्टमेंट में निकलती हैं, और कभी 45 भी डिपार्टमेंट में निकल जाती हैं। वो डिपेंड करते हैं कितनी पोस्टें और किस डिपार्टमेंट में वो खाली थी, उस प्रकार सा पूरा रहेगा। तो ये आपका MPPSC का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।